So our next article is 16th article, famous Indians. Famous Indians, ये persons हैं. हम देखेंगे कि कौन से इंडिया के लोग famous हैं. Look at the pictures of some Indians, read the clues and write their names in the given space. यहाँ पर clues दिए हुए हैं और यहाँ पर write down करना है names, okay? और ये पिक्चर्स कुछ देखना है, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्लू, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन. सिख रिलीजन जो है, जो पंजाब में जो लोग रहते हैं सिख लोग, तो उनका फाउंडर कौन था, मीन्स किसने निकाला था ये सिख रिलीजन. सो देखते हैं हम हेल्प बॉक्स में. गुरु नानक. गुरु नानक ये फाउंडर थे सिख रिलीजन के, और गुरु नानक को सब क्या करते हैं, सिख लोग मानते हैं. सो गुरु नानक हम यहाँ लिख लेंगे, जी यू आर यू, गुरु एन ए एन ए के, नानक. ओके, गुरु नानक. नेक्स्ट, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम. ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है. ही रोट दोहाज ऑन स्पिरिचुअलिटी, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे दोहास लिखा था. सो देखते हैं वो कौन है. हेल्प बॉक्स में देखेंगे. कबीर. कबीर जो है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे दोहास लिखा था. सो यहाँ लिख लेंगे हम कबीर, के ए बी आई आर, कबीर. ओके, नेक्स्ट, साउथ इंडियन एक्टर हु हैज एक्टेड इन द बॉलीवुड फिल्म्स टू. एक साउथ इंडियन एक्टर है जो कि साउथ में भी उन्होंने काम किया है, एक्टिंग किया है, और बॉलीवुड में भी एक्टिंग किया है. सो देखते हैं. सो वो एक्टर का नेम है कमल हसन. कमल हसन जो है, ये है इस पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं कमल हसन. हम लिख लेंगे यहाँ कमल हसन. के ए एम ए एल, कमल हसन. एच ए डबल एस ए एन, कमल हसन. ओके, नेक्स्ट, ऑथर ऑफ रामाचरितमानस. रामाचरितमानस जो है उसके ऑथर, उनका ऑथर कौन था, किसने लिखा था, किसने पब्लिश किया था, वो देखते हैं. तुलसीदास. तुलसीदास जो है इन्होंने पब्लिश किया था, ये ऑथर था तुलसीदास रामाचरितमानस का. सो लिख लेते हैं यह तुलसीदास, टी यू एल एस आई, तुलसी डी ए एस, दास, तुलसीदास. नेक्स्ट, कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम. इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन थे. सो देखेंगे, सुनील छेत्री. सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल टीम के इंडियन के कैप्टन थे. ओके, सो सुनील छेत्री, एस यू एन आई एल, सुनील छेत्री, सी एच एच ई टी आर आई, छेत्री. ओके, नेक्स्ट, फेमस डायरेक्टर भी है, फिल्म बनाते हैं, और एक्टर भी है. देखते हैं कौन है. सी अपर्णा सेन. अपर्णा सेन की यहाँ फोटो नहीं दी हुई है, लेकिन अपर्णा सेन जो है वो डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है. अपर्णा सेन लिख लेते हैं, ए पी ए आर एन ए, अपर्णा सेन, एस ई एन सेन. क्रिकेटर. अभी क्रिकेटर कौन है,
देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो इस फोटो में आपको नज़र आ रहे हैं, उन्हें MS धोनी भी बोलते हैं। सो वो क्रिकेटर है, लिख लेते हैं नेम MHENDRA, महेंद्र SINGS सिंह धोनी, DHONI धोनी। नेक्स्ट द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है देखेंगे, जो इंडिया के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये तो हो चुका है राजेंद्र प्रसाद, ये हम इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो लिख लेंगे RAJENDRA राजेंद्र प्रसाद, PRASAD प्रसाद। फर्स्ट वुमन पुलिस ऑफिसर, पहली कोई लेडी वुमन पुलिस ऑफिसर बने तो वो कौन थे, सो देखते हैं किरण बेदी, किरण बेदी ये फर्स्ट पुलिस ऑफिसर वुमन पुलिस ऑफिसर बने थे, ये है किरण बेदी की फोटो, किरण बेदी KIRAN किरण बेदी BED I ओके। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबल प्राइज, इंडिया के पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नोबल प्राइज जीता था, सो देखते हो कौन है, उनका नेम CV रमन है, CV रमन जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता था, लिख लेंगे यहाँ नेम हम CV रमन RAMAN रमन। मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन कौन थे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ये मैथमेटिशियन थे, ARYABHATTA आर्यभट्ट। नेक्स्ट द मेट्रोमैन, मेट्रोमैन किसको खिताब मिला था, किसको बोलते हैं देखेंगे, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन का खिताब मिला था, लिख लेंगे ई श्री SREE DHARAN धरन। हिंदी पोएट कौन, हिंदी पोएट कौन थे जो मीन्स पोएम्स वो लिखते थे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो थे वो हिंदी पोएट थे, लिख लेते हैं यहाँ हरिवंश राय बच्चन। ओके लास्ट वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर, वर्ल्ड के सबसे फेमस जो सितार प्लेयर थे, सितार बजाते थे वो कौन थे, लास्ट जो है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ये दुनिया के सबसे फेमस सितार प्लेयर थे, लिख लेते हैं हम नेम पंडित PANDIT पंडित रवि RAVI रवि शंकर SHANKAR शंकर। ओके डिड यू नो अगाथा संगमा वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट, अभी नेम दिया है यहाँ पे अगाथा संगमा जो थे वो सबसे यंगेस्ट मीन्स कम उम्र में, कम एज में वो मिनिस्टर बने थे, किसके कैबिनेट में, जब
मनमोहन सिंह पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। तब उनके पीरियड में सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर अगाथा संगमा बने थे। तो यहाँ हमारा ये सिक्सटीन्थ जो आर्टिकल है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखते हैं, नोइंग साउथ इंडियंस, साउथ इंडिया के जो लोग हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है साउथ इंडिया की वो हम देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी, रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर देम। अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसके ऑप्शन 3-3 दिए हैं, उसमें से राइट आंसर देना है। द ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ, ओनर से ओनर फेस्टिवल, जो ओनम फेस्टिवल जो है वो किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये जो ओनम फेस्टिवल किस पर मनाया जाता है, सो ये महाबली जब आए थे बहुत दिनों बाद उनके सिटी में, उनके घर पर आए थे, सो ये महाबली के आने के खुशी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने ओनम के दिन आए थे, इसलिए ओनम फेस्टिवल उनके आने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉपुलर लैंग्वेज इन साउथ इंडियन, साउथ इंडिया की इनमें से कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर नहीं है। सो तुलु और तेलुगु वहाँ बोली जाती है, डोगरी जो है, डोगरी लैंग्वेज वहाँ नहीं बोली जाती। नेक्स्ट, या फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, ओके। इन विच स्टेट आर द जॉग फॉल्स लोकेटेड, जॉग फॉल्स जो है वो वाटरफॉल का नेम है, उसको जॉग फॉल्स बोलते हैं। सो ये कौन से स्टेट में है, सो देखते हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है या फिर केरला में है। सो ये जॉग फॉल जो है ये कर्नाटका में है, लोकेटेड है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम लोकेटेड, विशाखापट्टनम में पोर्ट सिटी, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ें वो जहाज शिप्स जो खड़े रहते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। सो इसमें बोल रहा है कि विशाखापट्टनम की जो पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर जो है वो कौन से स्टेट में है, ओके। सो वो आंध्र प्रदेश में है, ओके। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग दीज हैड हिज आश्रम इन पुडुचेरी, अभी ये कुछ पर्सन्स के नेम्स दिए हैं, इनका आश्रम इनमें से किसका आश्रम पुडुचेरी में है, तो देखते हैं किसका है। श्री औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो जो थे उनका आश्रम पुडुचेरी में है, ओके। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया, इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी जगह साउथ इंडिया में लोकेटेड है, मीन्स है वहाँ पर, तो देखते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, साउथ इंडिया में लोकेटेड है। विच ऑफ दीज प्लेसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रीमेज डेस्टिनेशन फॉर जैन्स, मीन्स इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर जैन लोग जो होते हैं, जैन मज़हब के लोग जो होते हैं वो क्या करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ओके, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए। तो देखते हैं कौन सी जगह है वो, कौन सी प्लेस है, तो वो जगह है श्रावणा बेला गोला, श्रावणा बेला गोला में वो जाते हैं पिलग्रीमेज करने, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल 18th आर्टिकल है, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट कौन कौन है हम देखेंगे। सो मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद द आर्ट दे आर रिलेटेड टू, अभी जो भी आर्टिस्ट जो काम करते हैं हमें उससे उनको मैच करना है, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी कौन से हैं देखेंगे।
भीमसेन जोशी देखेंगे। सो दिस लास्ट, ये लास्ट में जो है ये भीमसेन जोशी है, और भीमसेन जोशी क्या है, उनका क्या काम है वो हम देखते हैं। भीमसेन जोशी एक क्लासिकल सिंगर थे। सो हम क्या करेंगे, भीमसेन जोशी के नेम को उनके आर्ट से मैच करेंगे, जो जिसमें वो माहिर थे, फेमस थे, तो वो क्लासिकल सिंगर थे। सो हम फर्स्ट ऑप्शन को ई ऑप्शन से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो अब सबको पता होगा, एक्टर है, दिस इज रणवीर सिंह। ओके, मूवीज़ भी देखे होंगे ना आप लोगों ने रणवीर सिंह के। सो रणवीर सिंह इज एन एक्टर। सो हम रणवीर सिंह के ऑप्शन को एफ ऑप्शन से मैच कर लेंगे, एक्टर। ओके, नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो ये है, फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है वो उस्ताद जाकिर हुसैन की है। सो उस्ताद जाकिर हुसैन किस, कौन से आर्टिस्ट थे देखेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला माएस्ट्रो थे, वो तबला बजाते थे। सो हम मैच कर लेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन को आई से, आई ऑप्शन से। ओके, तबला माएस्ट्रो। नेक्स्ट, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये श्रेया घोषाल है, और श्रेया घोषाल एक सिंगर है। सो जी ऑप्शन। नेक्स्ट, काजल अग्रवाल। फिफ्थ नंबर का है काजल अग्रवाल। यहाँ पर देखोगे काजल अग्रवाल ये एक्ट्रेस है, तो हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। कहाँ है एक्ट्रेस, सी है काजल अग्रवाल को हम यहाँ मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, शंकर महादेवन। शंकर महादेवन ये है, शंकर महादेवन, और शंकर महादेवन का क्या वर्क करते हैं, वो सिंगर है और कंपोज़र भी है। ओके, सो हम सिक्स नंबर को एच से मैच कर लेंगे, सिंगर भी है कंपोज़र भी है। फिर है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन जो है ये है, पिंक साड़ी में जो आप देख रहे हो वो सुधा चंद्रन है। देखते हैं, सुधा चंद्रन जो है वो भरतनाट्यम बहुत अच्छी तरह से करती है। सो हम सुधा चंद्रन को ए ऑप्शन से मैच कर लें। ओके, नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान जो है वो ये है, जो आपको फोटो में नज़र आ रही है सितार लिए हुए। सो देखेंगे उस्ताद अमजद अली खान सरोद माएस्ट्रो थे, वो सरोद माएस्ट्रो। सो एट को हम सी से मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह इस फोटो में आप देख सकते हो, ये अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह भी एक सिंगर है, तो हम नाइन को जे से मैच कर लेंगे, सिंगर। एम एफ हुसैन जो लास्ट में है वो आप इस फोटो में देख सकते हो, ये एम एफ हुसैन है, और एम एफ हुसैन पेंटर है, पेंटर थे। ओके, तो हम मैच कर लेंगे टेंथ वाले ऑप्शन को डी से। ओके, सो इस तरह जो हमारा ये आर्टिकल है इंडियन आर्टिस्ट वो यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नाइन्थ हमारा आर्टिकल है नोइंग इंडिया। अभी हम इंडिया के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। पिक योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से आंसर ढूंढना है। देखते हैं, द नेम ऑफ विच स्टेट मीन्स, यहाँ पर स्टेट के हमें नेम लिखना है, जिसके मतलब यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। तो देखते हैं, द अबोड ऑफ क्लाउड्स, अभी अबोड्स ऑफ क्लाउड्स किसको बोलते हैं देखेंगे। अबोड का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पर रहते हैं क्लाउड्स, जहाँ पर रहते हैं। सो ये स्टेट का मीनिंग है, स्टेट का जो नेम है उसका मीनिंग है, मतलब क्लाउड्स रहने की जगह। ओके, सो देखते हैं कौन सी स्टेट को ये मीनिंग दिया है। सो मेघालय, मेघालय का क्या मतलब होता है, द एबोड ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के रहने की जगह। MEGHA मेघा, LAYA मेघालय। ओके, नेक्स्ट, द एबोड ऑफ किंग्स, रजस मीन्स किंग के रहने की जगह, या रजस नेम दिया है। सो इसका स्टेट का नेम आता है राजस्थान, राजस्थान जो है RAJASTHAN, राजस्थान का मतलब होता है द एबोड ऑफ किंग। नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, अभी इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो सिर्फ फॉरेस्ट ही है, उसमें फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है। तो वो देखेंगे कौन सा है। हेल्प बॉक्स में देखेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट है। ओके, लिख लेंगे मध्य प्रदेश, MADHYA मध्य प्रदेश, PRADESH प्रदेश। नेक्स्ट, विच बिग मेला टेक्स प्लेस एट हरिद्वार ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, अभी रिवर गंगा के ऊपर हरिद्वार पर एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है वो हरिद्वार में, गंगा रिवर जो होती है उसके ऊपर मेला लगता है। एट उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सिप्रा, और उज्जैन जो है उज्जैन में सिप्रा रिवर के ऊपर लगता है मेला। एट नासिक, और नासिक में ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, और नासिक में रिवर गोदावरी के ऊपर लगता है वो मेला। एंड एट प्रयाग यानी अलाहाबाद में, वेयर द रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती मीट, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ मिलते हैं सब आकर अलाहाबाद में, वहाँ लगता है। ओके, सो ये मेला कौन सा है वो देखेंगे। ओके, सो ये मेले का नाम है कुंभ, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला जो है वो बहुत बड़ा मेला होता है। ओके, सो लिख लेंगे हम यहाँ कुंभ, KUMBH कुंभ। द सोनपुर मेला इन बिहार इज़ अ वेरी पॉपुलर फेयर, अभी बिहार के अंदर जो सोनपुर मेला लगता है वो बहुत पॉपुलर है। What is bought and sold at this मेला, और वो मेले में क्या बेचते हैं और क्या खरीदते हैं वो देखेंगे। ये मेले में एनिमल्स, ब्लॉक्स काउज बफेलोज एंड एलिफेंट्स क्या करते हैं, बेचते और ख़रीदते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये पूरा आंसर है, ये लिख लेंगे हम, एनिमल्स
BULLO CKS blocks cows buffaloes and elephants. Okay, next, the largest desert of India, which across the state of Bhupen Hazarika Bridge Rajasthan. अभी सबसे बड़ा इंडिया का डेजर्ट एरिया जो है वो राजस्थान भूपेन हजारिका ब्रिज को भी क्रॉस करता है वो, हाँ उससे बाहर भी वो है, इतना बड़ा है. सो देखते हैं वो कौन सा है. डेजर्ट एरिया का नेम देखते हैं. थार. थार जो है ये डेजर्ट है. सो लिख लेते हैं हम यहाँ थार, THAR, थार. ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. इंडिया में सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है. सो देखते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज, ये सबसे बड़ा ब्रिज है इंडिया का. सी हियर, सी इन दिस फोटो, ये फोटो में वो ब्रिज दिखाया है. सो लिख लेंगे भूपेन, BHUPEN भूपेन हजारिका, HAZARIKA हजारिका ब्रिज, BRIDGE ब्रिज. नेक्स्ट, विच सिटी इन उत्तराखंड हैज़ बिल्ट इन द वैली. कौन सी सिटी उत्तराखंड में वैलीज जो होते हैं छोटे छोटे पहाड़ उसके उसमें बनाई हुई है. बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स. जो ग्रेटर हिमालय है, हिमालय का जो पहाड़ है, तो उसमें उसके और शिवालिक्स के बीच में वो क्या है बनाई गई है. सो देखते हैं कौन सी है वो. सिटी का नेम है देहरादून. देहरादून वैलीज के बिटवीन में है. सो लिख लेते हैं यहाँ देहरादून, DEHRADUN देहरादून. नेक्स्ट, यू मे हैव विजिटेड नैनीताल. कैन यू नेम द हिल्स दैट सराउंडेड नैनीताल. क्या आप नैनीताल को गए हैं और वहाँ पर जो हिल्स है उसके सराउंडेड में नैनीताल के उसका क्या नेम है देखेंगे. ओके, सो उसका नेम है कुमाऊं. कुमाऊं जो है वो वहाँ के हिल्स का नेम है. सो लिख लेते हैं KUMAON कुमाऊं. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा का कैपिटल कौन सा है. चंडीगढ़. तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो 19th आर्टिकल था नोइंग इंडिया ये फिनिश होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. गो ग्रीन. गो ग्रीन किसको बोलते हैं. गो ग्रीन मीन्स क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी. हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, प्लांट्स को सेव करना चाहिए. वी ऑल लव आवर फैमिली एंड आवर होम एंड वी कीप आवर होम नीट एंड क्लीन. हम हमारे घर को हमेशा क्लीन रखते हैं क्योंकि हम हमारे फैमिली से बहुत प्यार करते हैं. बट हाउ मेनी ऑफ अस थिंक अबाउट कीपिंग क्लीनलीनेस आउटसाइड आवर रेसिडेंट. वेरी फ्यू. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घर के अलावा भी बाहर भी क्लीनलीनेस रखते हैं. आवर सिटी रोड्स ट्रांसपोर्ट स्टेशन ETC ऑल बिलोंग्स टू अस. रोड, सिटी, ट्रांसपोर्ट और स्टेशन ये सब हमसे क्या करते बिलोंग करते हैं. ओके, देन व्हाई आवर सिटी रोड्स स्ट्रीट आर सो डर्टी. वी कैन नॉट ब्लेम ओनली द गवर्नमेंट फॉर दिस मेस, वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट. जो बाहर गंदगी होती है रोडों पर वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो हमारी भी होती है. वी नो दैट गवर्नमेंट निगलेक्ट दिस थिंग समटाइम्स. दे शुड टेक अ नेसेसरी स्टेप्स टू कीप द
सिटी क्लीन। हमें पता है कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, ये थिंग्स को निगलेक्ट कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है। ओके, उसके लिए कोई नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए क्लीन सिटी रहने के लिए। सो देखते स्टेप्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। डस्ट क्या लेना चाहिए, डस्टबिन्स शुड बी केप्ट एट प्रॉपर डिस्टेंस इन रोड, रोडों पर डस्टबिन रखना चाहिए प्रॉपर डिस्टेंस पर। प्रॉपर वेस्ट कंटेनर्स शुड बी केप्ट इन एवरी एरिया, और कचरा कूड़ा डालने के लिए कोई ना कोई कंटेनर हर एरिया में रहना चाहिए। रूल शुड बी मेड एंड एक्शन शुड बी टेकन इफ़ सम ब्रेक द रूल, और किसी ने रूल को तोड़ा है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसे पनिशमेंट देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक पब्लिक अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और गवर्नमेंट ने पब्लिक को आगाह कराना चाहिए कि क्लीनलीनेस की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, टू कीप अवर सिटी क्लीन वी शुड आल्सो फॉलो सम इम्पोर्टेंट बट सिंपल स्टेप्स, हमें भी कुछ सिंपल स्टेप्स है जो फॉलो करना है सिटी को क्लीन रखने के लिए, देखते हैं कौन से है। अवॉइड स्पिटिंग ऑन रोड्स एज इट कैन बी द रीज़न ऑफ वायरल डिजीजेस, थूकना, पुड़ी का थूकना या थूकना ये रोडों पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे क्या होते हैं वायरल डिजीजेस होते हैं। अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस टू कीप अवर सिटी क्लीन, और हमारी सिटी को क्लीन करने के लिए अवेयरनेस रहना चाहिए, आगर रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 3 था माय इंडिया, हमने इंडिया के बारे में देखा है, सो यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।